यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइस मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में यहाँ पर देखा था कि हमारे जो भाई फ्रैंकलिन है और इसकी सीरीज़ मैंने यहाँ पर जो चैनल पर स्टार्ट किया बेसिकली माइकल दादा की हमने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है। और इनफैक्ट उनको एक घर से मलीबू मैंशन द रिच मैन होटल के सामने कौन सा प्लेबॉय मैंशन पर हम ले आए हैं और प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो लॉस एंटोस के। तो उनकी लाइफ के अंदर अब दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है खास नहीं, बेकार फ्रैंकलिन हमारे यहाँ पर साथ है। दोस्तों इस वीडियो पर हम लाइकिंग करते हैं पूरे के पूरे 500 लाइक्स का। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पर कंप्लीट करवा ही देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर वर्साचे है ना, वर्साचे की टी शर्ट यहाँ पर जो कि हमें नताशा जी ने गाइस गिफ्ट की थी। आपको ये कैसी लगती है एक बार प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मेरी जिगर की छल्ली ने मुझे यहाँ पर ये जो गिफ्ट की थी, ठीक है। अब देखो इनफैक्ट ये घर की बात है, मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में आप सभी लोगों को खुलेआम बताता हूँ, तो प्लीज़ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हूँ। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो में बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कल वाले एपिसोड में यहाँ पर बता दिया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शोरूम खोलना है और शोरूम कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर दिल्ली से जो रोशनी मिस्बा है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी सुपर बाइक्स की बहुत बड़ी दुकान है। वहाँ से मैं जो है सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स यहाँ पर मंगवाने वाला हूँ। लॉस एंटोस में ये बेचेंगे दोस्तों और उससे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होने वाला है जिसकी हायाबुसा वगैरह है। बेसिकली 2017 वर्जन है मेरे पास जो कि धूम फिल्म में जॉनी ब्रावो ने यहाँ पर यूज़ कर रखी है। मेरे पास आ गई थी यार, तुम्हें पता है मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज मैं जो शहर में जाने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ना एक परमिशन चाहिए और परमिशन के लिए मुझे यहाँ पर जो है एक बार ऑफिस पर जाना पड़ेगा कॉप्स के पास, जो हाईवे पेट्रोल डेल्टा है ना, जो कि यहाँ पर माइकल दादा ने नया बनवाया था, उस पर जाना है। क्योंकि रात मैंने माइकल दादा से बात की थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि वहाँ पर चले जाना और एक बार मेरा नाम ले देना, मेरी बात करवा देना, तो तुझे 1 मिनट में अप्रूवल वो लोग जो है दे देंगे। क्योंकि शोरूम वगैरह बनाने का क्योंकि वहाँ से जो बाइक्स वगैरह आएंगी ना उनके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी लग कर आएगी, तो जो कस्टम ड्यूटी का कॉस्ट है वो यहाँ के जितने भी डेवलपर्स वगैरह हैं वो लेने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी कॉप्स वगैरह वो लेने वाले हैं, जितने टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह हैं उनके पास यहाँ का सारा जो पैसा वगैरह दोस्तों जाएगा। तो मुझे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो सारा का सारा पैसा भाई इनको देना है, ठीक है। खैर कोई नहीं, जहाँ पर मेरा कस्टम ड्यूटी में पैसा लगेगा मैं इन लोगों को पैसा दे दूंगा, तो भाई सही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आगे यहाँ पर दोस्तों लेता हुआ चलता तो भाई वहाँ पर कोई भी अच्छा सीन ना बनता, ठीक है ना। बाकी आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा सीन आपको कैसा लगा, बिकॉज ये हायाबुसा भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। कल मैंने इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह तो करवाई थी बट उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बाकी मेरी नीली पैंट आपको यहाँ पर कैसी लग रही है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। तो चलो जल्दी से मुझे हाईवे पेट्रोल पर दोस्तों यहाँ पर जाना है और हाईवे पेट्रोल पर जाने के बाद सबसे पहले भाई अपनी वो बातचीत वहाँ पर करने के सर बताओ अब यहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो भाई वो यहाँ पर मानने वाले नहीं है। और जो कुछ बाइक्स हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर दुबई में दोस्तों रख रखी है वो सिर्फ यहाँ पर लॉस एंटोस में लानी है, तो सेम उसका अप्रूवल मुझे आज के आज ही चाहिए। तो शाम तक मुझे गाड़ियाँ जो है दोस्तों मिल जाएंगी। अब उसके स्टॉक के अंदर आपको पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी बाइक्स वगैरह हैं, ठीक है ना। चलो चलिए वहाँ पर जाने पे से पहले एक बार मैं लाइव इन्वेटर वालों के ऑफिस में ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि यार इन बैंड के दिनों को मैंने बहुत दिन हो गए अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए कहा था। और मैंने इन लोगों को ये भी कहा था कि मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी नए व्हीकल्स वगैरह आने वाले हैं और जितनी भी मैं एड ऑन कार्स वगैरह और एड ऑन बाइक्स वगैरह यहाँ पर डालने वाला हूँ तो उन सबकी मुझे फुल टू लिस्ट चाहिए, बट इन्होंने अभी तक वो काम नहीं किया है, ठीक है ना। अब देखो भाई मुझे इन सबको सीतापुर की चॉकलेट खिलानी पड़ेगी जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्यों जी करके चलो आपको इस बारे में क्या कहना है। बाकी ये मोहतरमा बात कर रही है, अरे रास्ते से इधर हट के बात कर लो अपने बॉयफ्रेंड से। चलो चलो इधर, कभी बताऊं तुम्हें भी अश्लील हरकतें चल रही है तुम्हारी यहाँ पर। हाँ अब अंदर काहे भागे जा रही हो, बनाओ क्या करीना कपूर, अभी ये बनेगी हीरोइन कैटरीना कैफ। खैर मेरा गला सूख गया, मुझे यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी। और बेसिकली यू नो दैट मेरी जो है स्प्राइट फेवरेट है। चलो क्या क्या बोल रहा है बेटे, हमें स्प्राइट पीनी है, ये सब यहाँ नहीं मिलता है। लगता है मुझे मेरी एक लात में ना भाई मशीन यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिता। अब चलो चलते हैं उसकी कनपट्टी में। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सीतापुरिया रखनी पड़ेगी, फिर इससे पूछूंगा हाँ बेटे बता जो मैंने यहाँ पर तुझे काम बोला था। हाँ लंबे बाल वाले चाचा जो मैंने आपको काम बोला था वो हुआ नहीं हो, व्हाट्सअप मत बोलो मुझे। देखो यहाँ पर व्हाट्सअप बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो तुमने बाल इतने लंबे लंबे कर रखे हैं ना आग लगा दूंगा तुम्हारी पूंछ में। फटाफट बता दो मुझे। हाँ ये जो वेबसाइट पर, शायद मेरी वेबसाइट पर काम कर रहा है। जी हाँ कोडिंग वगैरह तो चल रही है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, चल भाई चाचा शाम को आऊँगा तेरे पास, अगर ये काम ना हुआ ना फिर देख लियो, फिर तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। और मैडम जी क्या हाल है, आज तो बड़ी गोरी लग रही हो। मेरी तरफ मुड़ के देख रही है मेरी तरफ। चलो कोई नहीं, बाद में मिलूंगा मैं तुम्हें, नंबर दे दियो अपना। क्या यार फ्रैंकलिन यार दोस्तों ऐसा नहीं है, बट ये लड़कियों को देखकर फिसल जाता है। मैं नहीं फिसलता हूँ, देखो मैं इस टाइम ना फ्रैंकलिन हूँ, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं आई एम नॉट आरिश खान, ठीक है। हाँ तुम्हारा भाई रियल लाइफ में नहीं है ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ। ये फ्रैंकलिन बिगाड़ देता है मुझे, ये लड़कियों की तरफ ऐसे देखता है, बस क्या बताऊँ मैं। फिलहाल यहाँ पर ये बैठा है भाई साहब, ये लोग ना इतने सूख गए हैं यहाँ पर काम कर करके, बिल्कुल हड्डल हो चुके हैं, बिल्कुल हड्डल। चलो हम निकलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे परमिशन लेनी है यार शाम से पहले, इससे पहले कि मेरी यहाँ पर जल्दी से दोस्तों गाड़ियाँ वगैरह आ सकें, क्योंकि अगर वो कार्स आज के आज ना आ पाई ना तो भाई मुझे ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे उन गाड़ियों के, क्योंकि मैंने ऑक्शन में से परचेज़ किया है कुछ गाड़ियों को। एक दो हायाबूसा निंजा H2 है, ZX10R भी है, और मेरे ख्याल से अफ्रीका ट्विन भी है, और भी मुझे दुगाटी पानीगाले भी यहाँ पर डालनी है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, अभी बहुत सारा स्टॉक आना बाकी है। उससे पहले वहाँ पर जाने से पहले मुझे अपनी बीएड भी यहाँ पर ठीक करानी है। भाई शेव वेव होगी तुम्हारे लौंडे की तभी तो लगेगा, अभी तो चिकना है, अभी चिकना तो इतना लड़की यहाँ पर पसंद भी नहीं करती हैं चिकना। वैसे मेरी भी बीएड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे भी अगर यहाँ पर कटवानी चाहिए नहीं, एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके बताना है, फिर बताइएगा आरिश भाई तुम्हारा बड़ी बीएड में अच्छा लगता है, ठीक है। अरे मैडम जी थोड़ी सी शेप बना दो, कल तो आपने चिकना बना दिया था मुझे, हैं। रुक जाओ ज़रा देखे ज़रा, फ्री में भाई फ्री में बना के दे रही है मैडम जी। चलो कोई बात नहीं, फ्रेंच कट करेगी फ्री में, खैर ये ज़्यादा सही है। बाकी मैम और कैसी हो आप? मस्त मज़े में। मैंने सुना आपके हस्बैंड आपको तलाक दे रहे हैं। अच्छा जी, हाँ तो फिर आप लड़कों की तरफ ऐसे देखोगी तो तलाक ही तो देगा वो, और क्या करेगा। देख रो भाई मेरी तो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से टेढ़ी टेढ़ी टक दिया तू मैनू। मैडम जी क्या हाल है? वद्दा हेल नहीं तुम पुलिस को मत बोला, मैं तो चाह रहा हूँ बस यहाँ से तुम्हारी दुकान में, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ तुम्हें। चलो ये गाइस कुछ ज़्यादा ही मैडम ना, बस क्या बेसिकली कल मैंने पूछा था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को, जो नताशा जी हैं, बेसिकली अब हमारी शादी होने वाली है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी वाइफ ही हैं, ठीक है। वाइफ बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आज भी यार एप्पल स्टोर में कोई नहीं है। मैं iPhone 12 Pro Max उनको यहाँ पर गिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, फर्स्ट नहीं यार 7th या 8th एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। तो मुझे उन्हें फ़ोन गिफ्ट करना है, प्लस हमारी इंगेजमेंट भी होने वाली है, और इंगेजमेंट के लिए मुझे यहाँ पर कौन सी जगह बुक करनी चाहिए लॉस सैंटोस की सबसे महंगी वाली, एक बार ये भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा बहुत है यार, प्यार चाहिए तुम्हारे भाई को, पैसा तो बहुत है मेरे पास। अब नताशा जी भी यहाँ पर काम करती हैं, मैं भी काम करता हूँ, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, तो गाइस पैसा तो अपने पास। और भूत नीचे तेरा बाप मर जाता भी गाड़ी के नीचे आकर। ये यार लोग भागना बहुत बेवकूफ़ हैं यार, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं यार, मेरी समझ से बाहर है यार, बिल्कुल ही लिटरली समझ से बाहर है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार दोस्तों, हैं। बाकी कोई नहीं, चलो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। यार इन गरीबों में भी मुझे पैसे बांटने हैं, बेचारे ये खड़े रहते हैं ना, पर मैं इन्हें पैसे इसलिए नहीं देता है, जाकर ना नशा खरीद लेते हैं, इन्हें नशा मुक्त केंद्र छोड़ूंगा सालों को, नशा मुक्त केंद्र जाने के लोग हैं, इन्हें पैसा नहीं देना चाहिए। बट माइकल दादा ने बहुत यहाँ पर डोनेशन करी है। अभी यहाँ पर माइकल दादा ने, आपको पता होगा दोस्तों, गाड़ी की भी डोनेशन करी थी यार, गाड़ी की डोनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी डोनेशन है। फिलहाल ये वाली हाईवे पेट्रोल माइकल दादा ने भी लेटेस्ट ब्रांच खोली है, और मुझे अंदर जाके जो पुलिस ऑफिसर हैं अंदर, उनसे बात करनी है। बेसिकली मुझे बात नहीं करनी है यहाँ पर, मेरी एक बार जाकर ना अंदर माइकल दादा से बात करा दूंगा, ताकि सब कुछ भाई सीन वगैरह उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर भाई फ्रैंकलिन आया है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ताकि शाम तक भाई मेरी गाड़ियाँ वगैरह आ जाए, तो भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैंने इनसे जो है पूरी की पूरी हमारे माइकल दादा से दोस्तों बातचीत करवा दिया। फिलहाल ये कह रहे हैं कि मुझे उस चीज़ के जो बेसिकली वहाँ पर कार्स वगैरह और बाइक्स वगैरह, बेसिकली यहाँ पर सारी सारी सुपर बाइक्स आने वाली है, तो जितनी भी सुपर बाइक्स आने वाली है उनके सबके बिल चाहिए, प्लस जीएसटी नंबर वगैरह चाहिए। खैर वो तो सर मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। आई एम सॉरी ऑफिसर फॉर दिस काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आपको सारी की सारी जितनी भी आपकी डिटेल्स है मैं आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज़ मुझे ऐसी गुस्से वाली नज़रों से मत देखिए, ठीक है ना। खैर माइकल दादा से पूरी बात हो चुकी है, फिर भी मुझे ये भूत निगाह ऐसे देख रहा है। पुलिस वाले भाई किसी के सगे नहीं होते, समझ गए तुम। हाँ नीचे मत देखो, पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है। चलो भाई फिर हम निकलते हैं। यहाँ पर ग्रीन टिकट तो मिल चुका है, पर भाई पुलिस वाला बहुत नखरे मार रहा है। बाकी इनके भाई होंगे कुछ बड़ी ब्रांच के बंदे। चलो मुझे अब सबसे पहले ना जाना है PDM, और PDM जाने के बाद दोस्तों प्रीमियम ड्यूलिक्स मोटरस्पोर्ट, और उसका जो मालिक है जो सिमियन है उसको माइकल दादा ने यहाँ पर अरेस्ट करवा दिया था किसी चक्कर में कि वो इलीगल तरीके से गाड़ियाँ इंपोर्ट करवाता है, यहाँ पर चोरी की कार्स वगैरह होती है उनको बेचता है। तो भाई ये तो देखो क्राइम ही है दोस्तों, और क्राइम तो हमारे शहर में अब होना भी नहीं चाहिए माइकल दादा के होते हुए। तो इस वजह से माइकल दादा ने उसकी दुकान पर रेड पड़वाई और बहुत सारी वहाँ पर चोरी की कार्स बरामद हुई हैं। तो इस वजह से उस बंदे को भाई जो यहाँ पर जेल करवा दी गई, बट मुझे प्रिजन जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि मैं उसकी दुकान यहाँ पर 2-4 दिनों के लिए दोस्तों किराए पर लेना चाहता हूँ। ओ ये भी भूसा चल रही है, और सर जी मस्त चला रही है हायाबुसा, बढ़िया पुरानी मॉडल की हायाबुसा मस्त चल रही है। तो चलिए दोस्तों सिमियन से मिलने के लिए सबसे पहले मुझे प्रिजन से थोड़ा बाहर वाली साइड वो मुझसे मिलने वाला है। मैंने माइकल दादा को बोल दिया, उन्होंने परमिशन दिलवाएंगे मुझे, ठीक है। देखो भाई माइकल अपना दोस्त है तो माइकल यार सब कुछ कर सकता है। अब वो बात अलग है कि एक टाइम पे मेरा उसकी लुगाई से चक्कर चल गया था। वो देखो भाई उसकी लुगाई बेकार है, वही गैर मर्दों पर नज़र डालती है। मेरी उसके अंदर भाई कोई भी वो थी, अब मर्द है कभी ना कभी तो दोस्तों फिसल ही जाता है, आपको पता होगा भाई आदमी तो फिसल ही जाता है, औरत को संभल के रहना चाहिए ना, यहाँ पर तो संभलती नहीं है। हाँ, और उसने भाई कहा कि माइकल को यहाँ पर पता नहीं चलेगा, तो बेचारा फ्रैंकलिन यार अब क्या ही करता। पर खैर बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हम चलिए चलते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्रिजन जाना है, उससे बातचीत करनी है और भाई को समझाऊंगा कि यार मुझे तेरी शॉप के ऊपर यहाँ पर कुछ काम वगैरह करना है यार दे दे। खैर वो दे देगा भाई, बंदा बहुत अच्छा है, जेल में है तो कुछ ना कुछ तो उसको भी करना ही है ना, ठीक है। बाकी इसकी शॉप में अपनी यहाँ पर बाइक्स वगैरह दोस्तों खड़ी कर दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम अभी ना शोरूम वगैरह बनाने के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, सारे के सारे बाइक्स में चले गए। तो जब पैसे और हो जाएंगे तुम्हारे भाई के पास फिर वो कर लूँगा। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था कि मैं बहुत बड़ी जगह बुक करूँगा इंगेजमेंट के लिए, वो सब मैं फेंक रहा था। वो ना नताशा जी के पास पैसे हैं, वो करेंगी खर्च, मेरे पास नहीं है। वो तो मैं तो बस कंगाल हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ अभी तो। चलो तो फाइनली हम प्रिजन पहुँच चुके हैं। परमिशन तो है भाई उससे बात करने की, बट अभी चलते हैं ना अंदर कि जेल वगैरह का भी हाल क्या है, अंदर से पुलिस वाले बात करने देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि परमिशन वगैरह बहुत लेनी पड़ती है यार भाई, यही तो एक बात है। चलो खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। अबे भाई खोल दे इसे, ये बाबा आदम के ज़माने का इन्होंने बना रखा है। चलो यस सर, चलिए ठीक है। व्हीकल चेक करा था, अरे सर पास है मेरे पास, समझ गया, हाँ सर वो ये पास है मेरे पास, आप चेक कर सकते हो मेरी व्हीकल को। ये गाड़ी देखना है थे भाई, हायाबुसा बुड्ढे हो तुम्हारे, तुमने ली भी कभी, बातें बना रहे तुम। इमेट गेट 1, अरे इस वाले से ही जाना है मुझे, अब अंदर चलना है दोस्तों। क्या यार यहाँ पर परमिशन तो है, माइकल दादा ने पहले यहाँ पर दोस्तों बोल रखा था, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत इज्जत दी गई है, वरना पुलिस वाले इज्जत दें किसी को। ऐसा तो भाई बचपन में ही हुआ था कभी मेरे पिताजी के साथ, खैर मैं उस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अभी अंदर जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा क्या, चलते हैं ऊपर से जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर नीचे से दरवाज़ा वाला तो गेट है नहीं, ठीक है ना। चलो दरवाज़ा खुलने, अरे सर आई एम फ्रॉम माइकल दादा भेजिंग वर्साचे, ठीक है। वो अपना बंदा किधर है, अंदर ही है, अंदर ही है। प्रिजनर्स बहुत सारे हैं दोस्तों अंदर। नो 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 सर, नो 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 नो, यू डोंट हैव टू रिपोर्ट मी, थैंक यू सो मच। भाई यहाँ के पुलिस वाले ना बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बेसिकली ये प्रिजन गार्ड हैं। अरे सर जी साइड हो जाओ, ठीक है ठीक है सर, ओके। अरे भाई ये क्या है यार, यार ये गैंग वाले बंदे हैं इनके भाई। ओ भाई माथा फूट जाएगा मेरा अगर भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम मुझे कुछ मत कहो। आ रहे हैं फिर लड़ने, अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। मेरे हाथ में पंच है, भूत नहीं है, रुक जा तेरी ऐसी तैसी हट। हाँ आ काली तू आ, चल आप गंजे तू आ तेरी ऐसी तैसी। बस तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें बॉर्नविटा का दुद्धू नहीं पिलाया, तभी तो आज तुम ढेर पड़े हो यहाँ पर। काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें बॉर्नविटा का दुद्धू पिलाया होता, बकरी का नहीं, तो आज तुम खड़े होते मेरे सामने। मैं बॉर्नविटा पी के बड़ा हुआ हूँ। चलो हम चलते हैं, सबसे पहले इन सर से बात करता हूँ कि आई वॉन्ट टू टॉक मिस्टर सिमियन। अबे भाई ने क्या खुजली है भाई तुम्हारे, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ क्या। हट तेरी ऐसी तैसी, हट हट तेरी ऐसी तैसी हट। ओ भाई हट कालिए, ओ सॉरी सॉरी सर, वो मुझसे ना गलती में फ्लो में हो गया, सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी। गन मत निकालिए आप गुस्सा ना करें प्लीज़, मुझे पता है आपकी टांग में चोट लग गई, सॉरी बहुत रियली सॉरी, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। एक बार मेरी उससे बात करवा दो ज़रा जल्दी से। ये भूत निके मानेंगे नहीं है, मानेंगे नहीं है, मानेंगे नहीं, मानोगे नहीं। ओ भाई मानोगे नहीं तुम, मानोगे नहीं तुम। चलो तो दोस्तों यार मैं या भाई मानेंगे नहीं, मुझे सबसे पहले ऊपर चलना चाहिए छत पर। वहाँ पर राइट गाइस। अबे यार ये भूत निको दोबारा आ गया, तेरी ऐसी तैसी हट। तो गाइज यहाँ पर भाई मेरी सिमियन से पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है, ठीक है ना। अभी सिमियन गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो देखो इसको सिगरेट की बात बहुत दिनों से यहाँ पर भाई तलब वगैरह लग रही थी इसके। भाई फ्रैंकलिन की जेब में यहाँ पर पड़ी रहती है भाई, वो तो मैंने पिला दी इसे, ठीक है ना। अब बंदा यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे मेरी शॉप का यहाँ पर रेंट चाहिए। अब यार देखो यार ये बंदा जेल में पड़ा है, इसके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है यार। ये काले काले से मुझे अपना, ओह सॉरी सिमियन सॉरी, तू मुझसे किराया मांग रहा था ना इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तू पी 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 मजे ले मजे ले। तो गाइज यहाँ पर ये रेंट मांग रहा है, मैंने तो भाई इसको सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया कि भाई रेंट तो तुझे तभी मिलेगा जब तू जेल से रिहा हो जाएगा। बाकी मैं तेरी यहाँ पर कुछ सिफारिश वगैरह करवा दूंगा, तुझे एक AC वाला रूम दे देंगे, प्लस यहाँ पर खाने पीने के लिए अच्छा खासा सामान मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मान तो गया है बातों को, ठीक है चल कोई बात नहीं। बाकी चाबी वगैरह इसने मुझे दे दी है, यहाँ पर चाबी इसकी जेब में ही थी अपनी शॉप की, सीधा वहाँ से जेल से होकर सीधा भाई यहीं पर आया था, ठीक है ना। चाबी इसने दे दी है, अब सीधा दोस्तों चलते हैं इसकी शॉप के ऊपर। बाकी देखेंगे वहाँ पर दोस्तों क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद गाइज चल भाई फिर मैं मिलता हूँ तुझसे, मेरे पास टाइम भी नहीं है। बाकी बोल रहा है यहाँ पर तुम काले बंदों की ना दुश्मनी है, काले बंदों से, काले बंदे काले बंदों से लड़ते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत गोरा हूँ, ये अपना फ्रैंकलिन ही काला है। मैं तो दोस्तों देख लो कहाँ से काला हूँ, मैं तो बहुत गोरा हूँ, देख रहे हो। अंधेरे में अगर मैं चला जाऊँगा तो ट्यूबलाइट का काम करूँगा मैं, दांत अगर मैं खोल दूँ अपने, समझ रहा हूँ। देख रहे हो तुम्हारे भाई के दांत एकदम चमकते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ दोस्तों PDM यानी कि प्रीमियम डेलक्स मोटरस्पोर्ट, और वहाँ पर जाने के बाद एक जस्ट मुझे एक आँख मारनी है। आँख मतलब लड़की को आँख नहीं मारनी है भाई, मतलब आँख मारने से मेरा मतलब है एक नज़र जाके देखना है कि सब कुछ सही भी है या नहीं। भैया दरवाज़ा खोलने का क्या लोगे, चलो चलते हैं। भाई एक और भूसा खड़ी यार उधर तो दोस्तों, भाई सो एक और भूसा खड़ी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। आज आजकल हायाबुसा की ना आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ पर ना कहाँ पर जाना है, सबसे पहले PDM ही मुझे यहाँ पर जाना होगा। चलो ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, बनाओ तुझे रानी, ए रूपाली ए रूपाली ए रूपाली, यो बंटा रैप यो बंटा रैपर। चलो अभी गाइस सबसे पहले यार अपनी शॉप पर पहुंचना है। बाकी लोग बाग मुझे कई ज़्यादा यहाँ पर हंसा रहे हैं यार, मुझे इन सब मोह माया से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर 350 की स्पीड पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं गिर गया तो मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता भाई मैं जवानी भरी जवानी में मर जाऊँ और मेरे बच्चे भी मुझे ना मिलें, ठीक है फ्रैंकलिन। तो इसलिए मुझे काफ़ी आराम से गाड़ी चलानी होगी, बहुत ज़्यादा आराम से। मेरे बच्चे भी काले काले पैदा होंगे वरना तो। नताशा जी तो वैसे गोरी हैं, गोरी होंगे यार, नताशा जी तो मेरी बहुत गोरी हैं दूध से ज़्यादा। अगर मैं नताशा जी को ऐसे हाथ लगा दूँ ना तो मैली हो जाती है। मैं अब भाई यार नताशा जी हैं है ना, उनके सामने मैं चुप रहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता यार। गर्लफ्रेंड है मेरी वो, ज़रा सी देर में उन्होंने कुछ कहवा दिया, झंड हो जाएगी मेरी। चलो फाइनली गाइज नाउ आई एम प्रीमियम डेलक्स मोटरस्पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बंदे अभी भी हैं जो कि भाई वेटिंग स्पॉट में खड़े हैं। यहाँ पर ये सभी ये सोचते हैं, अरे भैया ये सोच रहे हो कि दुकान खुलेगी और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी वापस मिल जाएगी, भैया पोनी टेल काट दूंगा तुम्हारी, यहाँ से निकल लो, हाँ यहाँ से निकल लो, वाटरमैन में बाद में निकाल दूंगा तुम्हारा, यहाँ से निकल लो, पतली गली नाप लो, पतली गली तेरी भूत नहीं ऐसी तैसी, पतली गली नापता तू, तेरे बाप का रोड है यो, नहीं तो। बाकी दोस्तों यार ये तो सही है यार। देखो गाइस फिलहाल नॉर्मल सा बिजनेस करने के लिए ना, नॉर्मल सा बिजनेस स्टार्टअप के लिए ये जगह PDM दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जगह है, ठीक है। और भाई मुझे तो देखो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, ठीक है ना। बाकी बस सही है यार, सारे पेपर वर्क वगैरह यहीं पर हैं, और ये तो खुला हुआ ही है, इसको अनलॉक कर दो। चलो कर दिया, ओके चलो चलते हैं। फिलहाल दोस्तों सही है सब कुछ, कागज वगैरह भी ठीक है, एक छोटा सा पीसी रखा है, चलो सही है। सिमियन की फोटो लगी हुई है, कोई बात नहीं। दोस्तों मैं इसका हुलिया चेंज कर दूंगा, क्या आप सभी लोग चाहते हैं मुझे पीडीएम का हुलिया चेंज करना चाहिए और पीडीएम का नाम मैं दूसरा रख दूँ ऑडी या फिर सुजुकी या फिर हायाबुसा कुछ ऐसा वगैरह नाम में रख दूँ, तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना दोस्तों, ठीक है ना। बाकी बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी ये मोटा आ गया था और अंदर झाँक रहा था जैसे इसका बाप का शोरूम है। बेटे मुझे पता है तू तेल की इंजन ऑयल की चोरी करने आता है यहाँ पर, समझ गया। तो गाइस अब तो सही लग रहा है, ठीक है ना। फिलहाल जो कार्स फिलहाल जो बाइक्स वगैरह आने वाली है दोस्तों यहीं पर आएंगी, तो मेक श्योर कि मुझे बाइक्स वगैरह लाकर फिलहाल अभी यहीं पर खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाद में अगर लेकर आऊँगा फिर उन्हें खड़ी करने का झंझट और फिर यहाँ पर पुलिस का चक्कर, तुम्हें पता ही दोस्तों यहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। अभी चलिए हम शाम को दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे जब मेरी बाइक्स वगैरह यहाँ पर दोस्तों जो आ जाएंगी, मुझे एक बार एयरपोर्ट जाना है। राइट गाइस, तो फिलहाल भाई ये क्लिप जो रिकॉर्ड हो रही है वो आ रही है भाई 2 घंटे के बाद, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ 2 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा। सबसे पहले मुझे एक सफाई वाली आंटी को बुलाना पड़ा, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ पूरी की पूरी गाइस सफाई वगैरह करवानी पड़ी। उसके बाद अब मैं हूँ एक कार्गो प्लेन के अंदर, और दोस्तों कार्गो प्लेन के अंदर का जो एरिया है आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई किस टाइप का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एकदम मस्त है ना। फिलहाल 4 सुपर बाइक्स दोस्तों यहाँ पर आई है और कार्स वगैरह भी आई थी, सिर्फ मेरी बाइक्स के लिए तो भाई कार्गो प्लेन आने नहीं वाला था, ठीक है। बाकी एक भूसा है, H2 है, ठीक है, H2 कार्बन है, अफ्रीका ट्विन है, और यहाँ पे ZH2 है। ZH2 इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है लॉस एंटोस में, इसलिए मैंने मंगवाई है। ये देखो, देख रहे हो, जिसको नेकेड बाइक चाहिए ना नेकेड, वो इसका दीवाना होने वाला है दोस्तों। पर हाँ ये एक बात, अरे यार फालतू में नई बाइक के ऊपर, खैर सेकेंड हैंड है वो, पर उसके ऊपर स्क्रैचेस आ चुके हैं यार दोस्तों। यही तो बात है जो भाई दिल को चीर देती है मेरे पकड़ के, यही तो बात है दोस्तों। बस थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है कि देखो भाई क्या हो गया, पर खैर ज़्यादा चल कुछ हुआ नहीं। अबे अबे भाई मैं कितनी बार, ओ भाई इसकी बाइक कैसी तैसी हो जाएगी भाई अगर अब की बार मैंने इसके साथ छेड़खानी कर दी। मेक श्योर कि मुझे फटाफट ले जाकर इन बाइक्स को भाई शोरूम पर खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने ऐसी गिरा गिरा के तोड़ दूंगा। इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। बेसिकली जब हम यहाँ पर विली मारने की कोशिश करते हैं ना तो भाई ट्रैक्शन उल्टा पड़ जाता है और गाड़ी जो है भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो भाई ये होना चाहिए था इसके अंदर। भाई वरना इन सभी बाइक्स के अंदर है, अफ्रीका ट्विन में भी है, होंडा की अफ्रीका ट्विन दोस्तों यहाँ पर बहुत गजब की मोटरसाइकिल है और यहाँ पर सारे के सारे लोग इसको टूरिंग पर्पस के तौर पर यूज़ करते हैं। देखो भाई है ना, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाने देगी। ओ मस्त चल रही है गाड़ी, देख लो। ये बेसिकली टूरिंग पर्पस के लिए लोग रहते हैं और आपको पता है दोस्तों यहाँ पर लोग बाग माउंट चिलियार्ड पे कितना ज़्यादा रहते हैं, तो भाई उन्हें यहाँ पर एक टूरिंग पर्पज़ के लिए बाइक चाहिए होगी, तो भाई अपने पास है ना अफ्रीका ट्विन। देख लो भाई कैसी लग रही है, एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। देख रहे हो क्या दोस्तों, यार मुझे तो बहुत सही लग रही है। बाकी यहाँ पर अपनी आ जाती है दोस्तों एक H2 कार्बन है, H2 कार्बन दिखा दूँ मैं आपको। इसमें भी कंट्रोल है। खैर भाई फुल फेयरिंग बाइक का तो तुम्हारा भाई दीवाना है। और एक भूसा है, भूसा जो है दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जो 2021 वाली भूसा है दोस्तों, वो भी मैं मंगाने वाला हूँ, बट फिलहाल अपने पास अभी स्टॉक में ही है। भूसा को तो भाई मैं कैसे भी चला सकता हूँ यहाँ पर, भूसा तो भाई अपनी एक नंबर मस्त चलती है, ठीक है। बाकी यार इन सभी बाइक्स को जो है मैं शोरूम पर यहाँ पर दोस्तों लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट इनको शोरूम पर लेकर चलते हैं और फिर मैं आपसे वहीं पर मिलूँगा। ओ भैया ये क्या हो गया, लगता है गाड़ियाँ भाई कुछ ज़्यादा यहाँ पर बुरा मान गई मेरी बात। राइट गाइस, तो नाउ आई एम प्रीमियम डिलक्स मोटरस्पोर्ट। फिलहाल भाई ट्रक वाले भैया को पैसे वगैरह तो दे दिए हैं। यार भाई कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा था यार यहाँ तक बाइक्स लाने के। ऐसा भी होता है क्या यार, हम लॉस एंटोस वासियों को चलाते हैं और ये बंदे हमें चलाने की सोच रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी दिक्कतें तो होती रहती है भाई बिजनेस के अंदर। फिलहाल दोस्तों अपनी कुछ बाइक्स 4 की 4 बाइक्स यहाँ पर आ चुकी है। फिलहाल तो देखो दोस्तों 4 है, बट ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं पूरा का पूरा दोस्तों शोरूम भर दूंगा और यहाँ पर सिमियन का पत्ता काट दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है भाई तुम्हारा भाई पत्ते काटने में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है ना, यू नो दैट ना। मैंने यहाँ पर बहुत बंदों को मारा है यहाँ पर पकड़ पकड़ के, तो ऐसे ही है भाई तुम्हारा भाई, ऐसे जब मुंडी घूमती है ना तो ऐसे ही कारनामे करता है। बाकी सारी की सारी 4 बाइक्स आई हैं दोस्तों। बाकी आप एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मुझे यहाँ पर और कौन कौन सी बाइक्स वगैरह यहाँ पर जो है मंगवानी चाहिए। खैर H2 है, ZH2 है, H2 कार्बन है, अफ्रीका ट्विन है, और यहाँ पर सुजुकी हायाबुसा 1300 ZX R है, ठीक है। और मैं BMW की 1000 RR मंगवाने की सोच रहा हूँ, नया और पुराना दोनों मॉडल, ठीक है ना। प्लस और ZX10R है, निंजा की जितनी बाइक्स हैं वो हैं, दुकाटी पानीगाले है, हार्ले डेविडसन है, बहुत सारी बाइक्स वगैरह हमारे दोस्तों मंगवानी है। प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके सोच बताएगा आपको यहाँ पर कौन कौन सी बाइक्स वगैरह चाहिए, ठीक है। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जो लाइक है मैं प्लीज़ वो कंप्लीट करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर से दबा देगा अगर आपने अभी तक नहीं तक किया है तो, ठीक है। तो या ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।